नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, लेके आया हूं एक बड़ी खबर मानदेय वृद्धि से जुड़ी हुई, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय हो गया 10,000, उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय जो बढ़कर हो गया 5,750 तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं का जो मानदेय है वो बढ़कर हो गया 5,000। तो आदेश की तरफ बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा एक ऐप के बारे में। ऐप का नाम है योनो SBI, जो दिला सकती है आपको फ्री रिचार्ज। तो ये फ्री रिचार्ज आप किस प्रकार कर पाएंगे, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले जो आपकी योनो ऐप है वहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे। योनो ऐप से जुड़े हुए हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहाँ पे मैं जो योनो ऐप से जुड़े वीडियो हैं उनका लिंक डाल दूंगा और आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। और आप सबसे नीचे देखेंगे यहाँ लिखा गया है SBI रिवार्ड। आप जितना अपना डेबिट कार्ड यूज में करते हैं आपके रिवार्ड पॉइंट्स उतने ही बढ़ते जाते हैं। तो हम क्लिक करेंगे SBI रिवार्ड्स पे। तो आप देख सकते हैं मेरे जो SBI रिवार्ड्स पॉइंट है वो है 1241। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार आप इनसे रिचार्ज कर पाएंगे। तो मैं क्लिक करूँगा रिडीम नाउ पे, देन हम क्लिक करेंगे आई एग्री। और आपको यहाँ पे किसी एक ब्राउज़र को सिलेक्ट करने के लिए कहेंगे, तो मैं यहाँ पे जो क्रोम है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये आपको एक नए पेज पर रिडायरेक्ट करेंगे। तो कुछ इस प्रकार का ये पेज रहेगा। आप जो अपने पॉइंट हैं उनकी सहायता से कुछ भी परचेज कर सकते हैं जो इनकी शॉप पे अवेलेबल है। आप चाहें तो ईयरफोन परचेज कर सकते हैं या फिर आप कुकर वगैरह जो भी इनकी शॉप पे अवेलेबल है वो परचेज कर पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे रिचार्ज के बारे में। तो लेफ्ट अपर कॉर्नर पे 3 रोज दी गई हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और देखेंगे यहाँ 4th या 5th नंबर पे लिखा गया है रिचार्ज। क्लिक करेंगे रिचार्ज पे, तो आपको यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी है। आपका मोबाइल नंबर जो आपको रिचार्ज करना है, आपका ऑपरेटर है जो है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, आप कौन से स्टेट से हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे और जो अमाउंट है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। देन फाइनली आप क्लिक करेंगे प्रोसीड। तो चलिए मैं जो अपना प्रोसीजर है वो कम्प्लीट कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आप नए पेज पर रिडायरेक्ट रहेंगे। तो आपको यहाँ पे अपने नाम का जो फर्स्ट लेटर वो चूज़ करना है, मिस्टर मिसेज या जो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपका फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नाम डालना है, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको अपने जो मोबाइल नंबर है वो फिल करने पड़ेंगे, जो रिचार्ज करने हैं वो नंबर लिखने पड़ेंगे। देन आपको क्लिक करना होगा प्रोसीड। प्रोसीड पे क्लिक करने से पहले आप अपनी जो मोबाइल रिचार्ज कंफर्मेशन है वो डिटेल्स चेक कर लेंगे। आपका ऑपरेटर कौन है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आप कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं और आप जो अमाउंट है जिससे आप रिचार्ज करना चाह रहे हैं वो चेक कर लेंगे। फाइनली हम क्लिक करेंगे प्रोसीड पे। प्रोसीड पे क्लिक करने पे आपको एक नए पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है मोबाइल रिचार्ज बुकिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे रिवार्ड्स टोटल पॉइंट थे वो थे 1263। उनमें से मैंने जो रिवार्ड्स पॉइंट जो रिक्वायर्ड हैं जो मैंने इनमें से ले लिए हैं 1196 रुपये। और रिवार्ड पॉइंट्स वैल्यू यू वांट टू रिडीम, जो मैंने पॉइंट्स जो मेरे को रिक्वायर्ड थे वो 1196। मुझे डेबिट कार्ड से किसी प्रकार का पेमेंट नहीं करना पड़ा है क्योंकि मुझे रिचार्ज करना है 299। तो आप देख सकते हैं यहाँ 299 के रिचार्ज के लिए आपको 1196 पॉइंट देने होंगे। देन फाइनली आप जो यहाँ पर जो इनकी पॉलिसीज़ हैं वहाँ क्लिक करेंगे, देन क्लिक करेंगे कन्फर्म पे। तो कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको एक नए पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं हाँ मोबाइल रिचार्ज हेलो जो मेरा नाम है वो लिखा गया है। थैंक यू फॉर रिडीमिंग योर पॉइंट्स फॉर मोबाइल रिचार्ज। जो SBI रिवार्ड्स रेफरेंस नंबर हैं वो दिए गए हैं और प्रोवाइडर जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो दिए गए हैं, टाइप मोबाइल सब कुछ दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल अमाउंट जो मुझे मिली है जो पॉइंट्स के वैल्यू में वो है 299 रुपये। रिवार्ड्स पॉइंट है जो पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं, आप उनसे अपने मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं या अन्य कोई एसेसरी प्राप्त कर सकते हैं। तो योनो ऐप से जुड़े हुए वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप अन्य जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आदेश की तरफ और देखते हैं कहाँ की है वो खबर और कितना बड़ा है मानदेय। तो ये है वो आदेश जिसे मैं आपको रूबरू करवाना चाह रहा था। ऊपर लिखा गया मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय भवन भोपाल। जो आदेश है वो है 27 जून 2019 का संशोधित आदेश है। और देखिए आप यहाँ लिखा गया भारत सरकार के पत्र क्रमांक जो है आप देख लेंगे, डेटेड 20 सितंबर 2018। तो इस डेट को जो प्रधानमंत्री महोदय हैं उन्होंने जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की थी, द्वारा 1 अक्टूबर 2018 से निम्नानुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं एवं उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दे मानदेय में निम्नानुसार वृद्धि की गई है। तो यहाँ पे जो अंक तालिका फर्स्ट है उसे आप देख लेंगे। यहाँ लिखा गया पदनाम, पदनाम है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 1 अक्टूबर 2018 से पूर्व देय मानदेय जो था इनके लिए 3,1550 रुपये। और यहाँ पे जो लिखा गया है नवीन मापदंडों के अनुसार 1 अक्टूबर 2018 से देय मानदेय जो रहेंगे वो होंगे 4,500, 2,250 और
3500 रुपये। तो यहाँ पे एक अक्टूबर के हिसाब से जो मानदेय होना चाहिए था उसके बारे में जिक्र किया गया। नई सारणी में हम बात करेंगे जो इनको मानदेय दिया जा रहा है उसके बारे में। तो उपरोक्त वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए क्रमांक है आप देख लेंगे, राज्य शासन एदत द्वारा जारी आदेश क्रमांक आप देख लेंगे, दिनांक 12/7/2018 में आंशिक संशोधन करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिकाओं एवं उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त मानदेय 1 अक्टूबर 2018 से निम्न मापदंडों के अनुरूप दे होगा। तो यहाँ पे जो इनके अतिरिक्त मानदेय हैं, मानदेय सभी को मिलाकर टोटल क्या वैल्यू रहेगी, कितना इनको मानदेय दिया जाएगा वो बताया गया है। तो यहाँ पे पदनाम है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो यहाँ अतिरिक्त मानदेय 100% राज्य सरकार दे, तो अतिरिक्त मानदेय जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए है 7000, आंगनवाड़ी सहायिका के लिए है 3500 और उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए है 3500 रुपये। देन लिखा गया मानदेय जिसमें केंद्र का 60% एवं राज्य का 40%, तो टोटल हो गया आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 3000, आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 1500 और उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 2250। तो कुल देय अतिरिक्त मानदेय व मानदेय, तो यहाँ पे जो टोटल किया गया है मानदेय और अतिरिक्त मानदेय का, तो यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो मानदेय हो गया है वो 10000, आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए हो गया है 5000 और उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो मानदेय है वो 5750 रुपये। तो यहाँ पे बात करते हैं 1 अक्टूबर 2019 से दे अतिरिक्त मानदेय के बारे में। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2018 से दे अतिरिक्त मानदेय 100% जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 5500, आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 2750 और उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 2250 रुपये। 1 अक्टूबर 2018 से दे मानदेय जहाँ केंद्र का 60% और राज्य का 40% वो है 4500, 2250 और 3500 रुपये। तो जो नवीनतम मानदेय हैं वो रहेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 10000, आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 5000 और उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 5750 रुपये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो नवीनतम मानदेय है वो है 10000, आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए है 5000 और उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो मानदेय है वो है 5750 रुपये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है उपरोक्तानुसार तालिका 2 की कॉलम 6 व 7 के अनुसार क्रम से अतिरिक्त मानदेय एवं मानदेय 1 अक्टूबर 2018 से नवीन मापदंडों के अनुसार दे होगा। कॉलम नंबर 6 दिया गया है 1 अक्टूबर 2018 से दे अतिरिक्त मानदेय 100% राज्य का जो है 5500 और जो कॉलम नंबर 7 है वहाँ पे जो मिक्स है केंद्र और राज्य का तो वह है 4500 रुपये, तो यहाँ पे 10000 रुपये। तो जो नवीनतम मानदेय हैं वो जो लास्ट कॉलम है 8 उसके हिसाब से दे होंगे। तो आप देख सकते हैं आपके जो नवीनतम मानदेय होंगे जो 1 अक्टूबर 2018 से दे होंगे वो कॉलम नंबर 6+7 का योग होगा, टोटल जो होगा वो 8 का, उस हिसाब से आपको दे होंगे। तो ये था वो आदेश जिससे मैं आपको रूबरू करवाना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।